प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 9 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पॉलीथीन बैग्स को बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है किस बरस से हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। यदि आप नियमित रूप से हमारी सीरीज़ को सुनते हैं तो एक दिन के करंट अफेयर्स में मैंने सारी की सारी पूरी कवरेज की थी, कब से शुरुआत हुई थी, किस मुख्यमंत्री के दौरान ये हुई थी, तो ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अभी आपने फिलहाल इतना ही बताना है कि कब इनको बैन किया गया है। भारत के किस राज्य में यूज्ड पॉलीथीन को 75 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, ताकि हिमाचल प्रदेश को पॉलीथीन फ्री बनाया जा सके 75 रुपए किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे पॉलीथीन खरीद रही है, याद रखिएगा। हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा शिखर सम्मान पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए किसे चुना गया है? लोक गायक है, संगीतज्ञ है, इनका नाम है मोहन राठौर, याद रखिएगा मोहन राठौर जी को चुना गया है हिमाचल प्रदेश शिखर सम्मान पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कमेटी बनती है, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही इनके नाम आगे घोषित किए जाते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2 बार 17 और 18 का दिया गया है, ठीक है, तो 18 के लिए किसको दिया गया है? हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा शिखर सम्मान पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किसे चुना गया? तो इनका नाम है दिनेश कुमार। ये देखिए किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, चंबा रुमाल में इनकी विशिष्टता थी, उसमें इनको ख्याति प्राप्त थी, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12,000 हेक्टेयर भूमि पर कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो करीब 1 करोड़ पौधे हिमाचल प्रदेश सरकार लगाना चाहती है, ताकि जो वन संपदा है उसे और भी सुदृढ़ किया जा सके। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में 66% भूमि पर जितनी टोटल हमारा क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 66% पे क्या है, फॉरेस्ट की लैंड है। लेकिन हम बात करें तो 27.7% पर ही क्या है, फॉरेस्ट है, यानी जंगल लगे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि वर्ष 2030 तक इसे 30% तक पहुंचाया जाएगा। वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। 2030 और 30% को याद रखिएगा। वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए तो 27.7% फॉरेस्ट हमारे प्रदेश में है। लैंड की बात करें तो 66% है और 12,000 हेक्टेयर भूमि में हिमाचल प्रदेश सरकार 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इस वर्ष में निर्धारित किया गया है। सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। किन्नौर की कामरू पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण सहित बायो डाइवर्सिटी जैसे कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने पर प्रदेश भर में दूसरा स्थान इसे प्राप्त हुआ है। कामरू पंचायत काफ़ी फेमस रहती है अपने विकासात्मक कार्यों में, यहाँ से प्रश्न पूछने की परंपरा बनी हुई है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अमेरिका के बाद दुनिया के किस देश द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंध तोड़ने संबंधी बयान जारी किया गया है? तो ब्राजील उस राष्ट्र का नाम है और वहां के राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो, याद रखिएगा। आपने मुझे बताना है कि भारत के किस एक विशेष दिवस पर एक मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन में। देखिए WHO की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर अमेरिका ने संदेह जताया था और अब ब्राजील ने भी ऐसे संकेत दिया है कि भविष्य में हम भी इस संगठन से अपने संबंध तोड़ेंगे। वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में भारत की GDP विकास दर क्या रही? 3.1% रही, जो कि वर्ष 2004 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही, तो आप उसका उत्तर करेंगे 4.2%। यदि आपसे और पीछे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2018-19 में भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, तो आप उसका उत्तर करेंगे 6.1%। और इस वर्ष तो आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक के कारण हमारी 2020-21 की जो GDP ग्रोथ रेट है काफी डाउन में जाएगी, तो इसलिए आपने 18-19-20 और 20-21 की तीनों अच्छे से याद करनी है। 20-21 की अभी आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 7 जून, याद रखिएगा। और इस साल में देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी है, इसका थीम जो चूज किया गया था कोरोना पेंडेमिक के कारण, इस पर इसे वर्चुअल ही बनाया गया। आपने देखा होगा जितने भी दिवस है मार्च के बाद सारे के सारे जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो सम्मेलन मीटिंग्स होनी थी वो भी वर्चुअल के माध्यम से ही की जा रही है। इस वर्ष का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसे बनाया गया 7 जून को, ठीक है। तो इसे भी किस तरह से बनाया गया, वर्चुअली बनाया गया, और इसका थीम क्या था, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा नर्सरी की शुरुआत कहां पर की गई? तो ये की गई है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना को नाम दिया गया है नगर वन योजना, याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत 200 शहरों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी है। भारत ने मात्र 2.5% भूमि और 4% प्राकृतिक जन संसाधन के साथ 16% जनसंख्या तथा 16% पशुधन के दबाव के बावजूद दुनिया की 8% जैव विविधता का संवर्धन किया है। यह भारतीय संस्कृति की प्रकृति है जिसमें हम पशु पक्षी और पेड़ों की भी पूजा करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे देखिए 16% बताई गई थी इनके फैक्ट्स में, करीब 17 पॉइंट के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। यदि बात करें हम लोग, ज़्यादा स्टीक आंकड़े नहीं है लेकिन आपको विजन के लिए काफ़ी है। और वैसे देखिए बात की गई है कि 16% के आसपास ही हमारे पास क्या है, पशुधन है। इन सब की देखिए यदि धरती से इनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इनको पर्याप्त वातावरण चाहिए, फिर भी यदि भारत जैसा देश, विकासशील देश 8% जैव विविधता का समर्थन करता है तो सच में बहुत बड़ी बात है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 29 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 3.44 अरब डॉलर बढ़कर 493.48 अरब डॉलर हो गया। अच्छा संकेत है भारत के लिए। स्टूडेंट्स आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी काफ़ी बेहतरीन किताब है जिसे हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। विशेष तौर पर इसका मेरा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट मैंने इस किताब के लिए किया है। इस किताब का नामकरण किया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब को समग्र अध्ययन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जितनी भी किताबें थी शायद वो कुछ कंटेंट्स को बहुत बेहतर से कवर करती थी लेकिन संपूर्ण किताब नहीं थी। और ऐसी भी कोई किताब नहीं थी जो कि कंपिटेटिव एग्जाम के उद्देश्य से ही बनाई गई हो। इस सोच को चरितार्थ करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। किताब के पहले अध्याय में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश विशेषांक जिला भर सूची संक्षिप्त ज्ञान की, वहां पर आपको उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद जितनी भी हिमाचल प्रदेश की जानकारियां हैं सारी की सारी जानकारियां नोट्स की फॉर्म में पार्ट वन में उपलब्ध करवाई गई है। पार्ट टू में क्लर्क से लेकर एचएस तक परीक्षा तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। जब आप पार्ट वन को पढ़ लेंगे और ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को पढ़ेंगे तो आप इस किताब के पहले पार्ट का जो महत्व आपको समझाना शुरू हो जाएगा कि इस किताब में जो आपने पढ़ा था कितने प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इस किताब को कहा गया एक समग्र अध्ययन है जो आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएगी। ये किताब हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही उपलब्ध है, आप इसे हमारी वेबसाइट elastedeco.in से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनका भी आप लोग लाभ जरूर उठाइएगा क्योंकि ये किताबें ऐसी टीम के द्वारा तैयार की गई है जिन्होंने खुद परीक्षाएं क्वालिफाई की है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।